नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी ने एक सप्ताह में चार बार लिया ऐश्वर्या राय का नाम, अब बोले नाचती हुई निकलेंगी, होने लगे ट्रोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में चार बार अपने भाषण में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी एक्ट्रेस बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि आपको अयोध्या में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को देखा, लेकिन गरीब लोगों को वहां नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने एक सप्ताह में चार बार ऐश्वर्या राय का जिक्र राम मंदिर को लेकर किया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐश्वर्या राय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में अयोध्या गई भी नहीं थी। ऐसे में उनका नाम लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को एक वर्ग ट्विटर पर ट्रोल भी कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अरबपति लोगों को बुलाया गया, लेकिन देश के आदिवासी, गरीब और पिछड़ा को दूर ही रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस आयोजन में तो देश के राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, ये इन वर्गों के लिए अपमान जैसा था। प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास केंद्रा चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों और अमिताभ बच्चन को आमंत्रित करके मोदी सरकार ने ये संकेत दिया कि देश की 73% आबादी की उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। यही नहीं, और रैली में राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मीडिया में भी आपकी आवाज सुनाई देती, मीडिया पूरे दिन नरेंद्र मोदी को दिखाता है और फिर कभी ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते हुए निकलेगा। उनकी इस टिप्पणी की भी सोशल मीडिया पर यह कहते हुए आलोचना की जा रही है कि उन्होंने स्तर से नीचे जाकर यह हमला किया है। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब ऐश्वर्या राय अयोध्या पहुंची ही नहीं थी तो फिर राहुल गांधी क्यों बार बार उनका नाम लेते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक कार्यक्रम में तो राहुल गांधी ने ऋषभ सिंह के नाम के लड़के को अपना पास बुलाकर खड़ा किया और फिर उससे बातचीत के आधार पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार आप लोगों का ध्यान भटकाती है और फिर चुपके से जेब काट लेती है। यही नहीं, यदि कोई चिल्लाता है तो उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं। राहुल गांधी के प्रतापगढ़ पहुंचने पर उनके साथ मंच पर प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, विधायक आराधना मिश्रा, मोना भी नजर आई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।